हाँ सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक दिस फुटप्रिंट्स विदाउट फिट द नेकलेस. नेकलेस मतलब नेकलेस गले का हार. यस ओके. सो ये इसके ऑथर है हेनरी रीन एल्बर्ट गाय डे मैप्यूसेंट. ओके फ्रेंच ऑथर है हमारे. इतना लंबा लिखा है? हाँ भाई इतना मैंने थोड़ा ज्यादा ही लंबा लिख दिया है. ओके सो पेज नंबर 45 पर उनका पूरा नाम है गाय डे मैप्यूसेंट. लेकिन उनके आगे भी लिखना हो तो हेनरी रीने ऐसा है. मतलब हमारा जो नाम है उसके आगे ऐसा उनका फुल नेम है. ओके हेनरी रीने और फिर वो जो भी लिखा है गाय डे मैप्यूसेंट. ओके दैट इज हिज नेम. और ये फ्रेंच ऑथर मतलब कौन से देश के है? फ्रांस के. यस ये क्या लिखा है? अच्छा हाँ ओके. अब सही है. ओके हाँ ओके. सो फ्रेंच के फ्रेंच फ्रांस के ऑथर है. ओके स्टार्ट करते हैं. तो नाम याद रह गया? थोड़ा बड़ा है तो याद रखना ऑथर का नाम. ओके पूछा जाता है. ओके चलो सो बात करते हैं. मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. तो मटिल्डा एक लेडी है वो इनवाइट की जाती है ग्रैंड पार्टी के लिए. अच्छा शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है बट ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. उसने फ्रेंड के पास से एक नेकलेस बोरो किया. बोरो किया मतलब उधार लेना. यस उधार लिया. एंड लूजेज इट मतलब खो दिया. ओके खो दिया खो गया. व्हाट हैपेंस देन अब क्या होगा? उसी के बारे में चैप्टर है. चलो यहां पर थोड़ा जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मे बी सबकी नहीं बोल रहा हूं पर्टिकुलर जिसकी भी हो वो ज्यादा शो की है यहां पर ये चैप्टर में. ओके सो डोंट टेक हमें जो अच्छा लगे तो हम बोलेंगे कि चलो हम भी इसके जैसे बने और जो चीज अच्छी ना लगे तो हमें ट्राई करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम में ना होनी चाहिए. वेदर मेल हो या फीमेल हो कोई भी जगह बाहर भी या कहीं पर भी हमें कोई एग्जांपल दिखे तो अच्छी अच्छी बात दिखे तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना है हमें क्या फीलिंग रखनी है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी आए. और जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा दिखे फिर चाहे वो मेल के हो या फीमेल के. ओके बट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है नॉट अ जेंडर. ओके जेंडर पे ध्यान नहीं देना है तो हमें ये ध्यान देना है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम में नहीं होनी चाहिए. ओके सो आगे बहुत सारा कुछ आएगा इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ. और अगर बुक के बाहर की बात करें तो भी ऐसा होता है. सपोज थोड़ा डीप है थोड़ा ही बोलूंगा नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर हम दूसरी बात पे चले जाएंगे कि तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके मतलब जैसे कि हम जनरल बिहेवियर होता है कि चाहे मेल हो तो थोड़े रफ एंड टफ होते हैं मतलब दे डोंट केयर ऑफ देमसेल्व्स मच. ओके कि भाई ऐसे सपोज लुक के ऊपर ऐसा सारे की बात नहीं चल रही है बट कंपेयर टू द फीमेल्स की बात चल रही है नॉट कि कोई मेल की हम पर्टिकुलर मेल की बात कर रहे हैं बट कंपेयरिंग टू द फीमेल्स के सपोज अपनी जो स्किन है उसका ध्यान रखना. ओके अपने जो हेयर्स है उसका ध्यान रखना अपने जो सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स है. ओके मैचिंग कलर कुछ भी पहन लिया ये वो उसका ध्यान रखना. तो वैसा कंपैरेटिवली जो अभी के टाइम पर है वो बता रहा हूँ. इट्स नॉट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके जो है वो बता रहा हूँ कि बॉयज और से मेल्स ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फीमेल्स ये सब चीज में ज्यादा ध्यान देती है. सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और तो बॉयज सपोज पैसे अर्न करना है. ओके कि भाई यहाँ से पैसे अर्न करना है ये वो मैच्योर्ड की बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ स्टूडेंट लेवल. ओके 20 इयर्स के बाद की बात कर रहा हूँ. तो वो जो मेल्स तो भाई सक्सेस के लिए या फिर रिस्पेक्ट के लिए ज्यादा वो फोकस्ड रहते हैं मेल्स. और फीमेल्स के लिए मतलब और ज़्यादा क्या होता है पता है? ज़्यादा होता है मतलब ये नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ. मेल्स के नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको रिस्पेक्ट चाहिए
मांगते हैं, मतलब मांगेंगे नहीं बट अंदर, अगेन बता रहा हूँ ये जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ, नॉट माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, दे सीक फॉर रिस्पेक्ट मेल, ओके, सेकेंड दे आर मोर एंग्री देन फीमेल्स, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ज़्यादा एंग्री, बट वो ज़्यादा दिखा देते हैं, फीमेल्स के पास भी उतना एंगर है बट दे विल नॉट शो, ओके, बात बात पे, वैसे ही फीलिंग्स में भी है कि रोना तो ये ज़्यादा रोएंगे वोएंगे नहीं, पेन तो उनको भी हुआ है लेकिन उतना नहीं रोएंगे, और यहाँ पर पेन उससे आधा हुआ है तो उससे डबल रोएंगे, लाइक दैट, ओके। कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे जैसा तो नहीं है, मतलब वो बुक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसा तो नहीं है, तुम तो छोटी छोटी बातों में रोती रहती हो, ओके, और हमें बड़ी बड़ी बातों में भी हमारे आंसू को कंट्रोल करना पड़ता है, लाइक दैट। शायद इसीलिए मेल्स का जो हैंकरचीफ होता है, रुमाल, वो बड़ा होता है और फीमेल्स का होता है वो छोटा होता है, लाइक दैट। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब कोई एक की साइड लेने की बातें नहीं है, मतलब अगर मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ सके उसके लिए, मतलब मैं जहाँ से ये गाय का मिल्क अभी मैंने शुरू किया है, काउ मिल्क, ओके, तो ऑर्गेनिक्स से आता है यहाँ तुलसीधाम में ही है, सो वहाँ से मैं लेके आता हूँ, तो मैं लेने गया ना तो वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो बोले आपको पढ़ना हो तो ले जाओ ले जाओ, अच्छा ऐसा, मतलब तो पूरा ले आता फिर मैं दो बुक लेके आया, तो एक ये बुक थी और दूसरी कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, ये बुक थी, तो ये दो बुक मैं कल लेके आया। मैंने कब देना है रिटर्न? सर आप पढ़ लो तब देना। वेरी गुड, ओके, ठीक है तब दूंगा तो वो पढ़ रहे थे उसमें से बता रहा हूँ। सो कहने का मीनिंग क्या था, मैंने दो चीज़ें बताई, क्या क्या, एक तो से एंगर एंड रिस्पेक्ट, ये वीक पॉइंट है किसके, मेल्स के, और गर्ल्स के वीक पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे हम, अट्रैक्शन नहीं, अटेंशन बोल सकते हैं, यस, अटेंशन, अटेंशन भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि सब, बट जनरली जैसे कि हम मम्मी के लिए नहीं बोलते या पेरेंट्स के लिए बोलते हैं, मम्मी की ममता, मदरहुड, मदरहुड नहीं बोलते, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जिसे हम मोह भी बोलते हैं, मोह, ओके, तो वो जो मोह होता है ना वो गर्ल्स में ज्यादा होता है, किसके टॉवर्ड्स में, सबके टॉवर्ड्स में, मतलब मेरे पापा मेरे मम्मी, ओके, वो अटैचमेंट, अटैचमेंट इज दी गुड वर्ड, ओके, बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, ओके, तो अब तुम सोचोगे कि ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ी है सर, हाँ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो उसके लिए अटैचमेंट नेगेटिव पॉइंट है, ओके, फिर चाहे वो मेल के पास हो या फीमेल के पास हो, वैसे ही यहाँ जो नेगेटिव पॉइंट है फिर हम सोचेंगे नहीं, तो एंगर तो मेल का नेगेटिव है, नहीं तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा भी वो नेगेटिव पॉइंट है, कहने का मीनिंग क्या है कि खुद की अगर तुम ज्यादा केयर कर रहे हो बॉडीली, तुम्हें बॉडी से बहुत ज्यादा प्यार है, खुद की बॉडी से, ओके, जो उनको मेल को कम है और फीमेल को ज्यादा है, खुद की बॉडी से प्यार, ओके, इसीलिए तो हम इतना केयर करते हैं, लाइक दैट, तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर तुम सोचो कि मैं जो बता रहा हूं तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है तो, और तुम्हें वो पसंद भी है, तो नेक्स्ट, मैं थोड़ा डीप वो स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ कि फिर डेथ के बाद जब हमारा रीबर्थ होता है ना, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी और वो हमें पसंद भी थी, तो हमारा वापस वही जेंडर में बर्थ होगा, मतलब अगर तुम फीमेल हो, तुम्हारे अंदर फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जो मैंने बताई वो सारी है और वो तुम्हें पसंद भी है, तो तुम्हारा बर्थ वापस एज अ फीमेल ही होगा, और तुम्हारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की है लेकिन तुम्हें पसंद है मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सपोज यार तुम्हें ऐसा, यार ये क्या यार, मतलब मैरिज हो रहे हो और हमें घर छोड़ के जाना है, लाइक दैट, वैसा तुम सोच रहे हो सपोज, कि क्यों भाई फीमेल ही क्यों घर छोड़ के जाएगी, ऐसा क्यों, ऐसे लाइक दैट, कभी कभी ऐसे होगा ये यार हमें घर छोड़ के जाना है, ऐसे ये घर के सारे काम हम ही क्यों करें यार, लाइक दैट, तो मतलब ये जो तुम्हारा रोल है वो तो रोल तुम्हें पसंद नहीं है, सपोज तुम्हारा ये जो रोल है, सपोज ये प्रेगनेंसी, ओके, ये क्यों यार, ये इतना पीरियड पेन कम होता है कि डिलीवरी पेन भी हमें ही करना है, लाइक दैट,
इट इज मतलब हाईएस्ट पेन हम बोल सकते हैं, ओके, बहुत ज्यादा। बोले ये क्यों हमें ही लाइक दैट? तो अगर तुम्हें ऐसा है, ओके, एंड इफ यू विश दैट ये सब मुझे नहीं चाहिए, सो स्लोली स्लोली यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क मतलब कैसे कि भाई सपोज तुम्हें ये सब तो चाहिए नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी सारी फीमेल वाली है, तुम्हें बहुत ज्यादा वो बॉडी केयर अच्छा लगता है, कपड़े मतलब शॉपिंग और से मेकअप एंड ऑल सब कुछ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल वाली है, लेकिन उसकी रोल से तुम खुश नहीं हो, फिर भी बर्थ तो फीमेल में ही हो। तो अब करना क्या है, तुम्हें इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि तुम्हें जाना है भाई नेक्स्ट बर्थ में मेल बनना है। बोले हाँ मेल में फायदा ज्यादा है, ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी पड़ेगी। फिर इसी लाइफ में तुम्हें ये बॉडी से भाई ठीक है, अभी जो मिले वो कपड़े अच्छे तो है और क्या है ज्यादा, मेकअप भी हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, बदसूरत तो नहीं लग रहे ना, बस ठीक है इतना ठीक है, बाल हाँ ठीक तो है, जरूरत है तो करेंगे। जैसे मेल का कैसे होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही फालतू बन के घूमते हैं लाइक दैट, बट जितना है होना चाहिए उतना है, ओवर नहीं है। ओवर क्या है, ओवर वो सब है, रिस्पेक्ट चाहिए चाहिए चाहिए, पैसे अर्न करने, थोड़ा ग्रीडी नेचर हो जाता है, ओके, वैसा तुम्हारा नहीं है, तो लाइक दैट। वैसे ही मेल में लगे हैं, फीमेल का अच्छा है यार लाइक दैट, तो फिर उनको चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज अ साइंस, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल साइंस हम बोलेंगे। तो जैसा हमारी फीलिंग्स होगी वैसी फिर डिजायर तुम चेक करो। डिजायर हमारी मतलब तुम्हें जाना है सूरत और तुम जा रहे हो अहमदाबाद साइड, तो कभी सूरत पहुंचोगे ही नहीं, इतना भी तुम बोल दो कि भाई सूरत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हमारी इंटेंशन, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी होनी चाहिए, तब जाके बर्थ भी वैसे मिलता है। सब कुछ हमारा बर्थ प्री डिसाइडेड होता है, हमारे पेरेंट्स भी प्री डिसाइडेड होते हैं, ओके। मतलब तुम्हारा डिजायर है कि भाई बहुत ज्यादा पैसे वाले घर में बर्थ होना चाहिए, मतलब पापा मम्मी बहुत ज्यादा पैसे वाले हो। अब पापा मम्मी देख लो, जहाँ जिनके बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं ना, तो पैसे तो पापा मम्मी के चाइल्ड्स को मिल जाते हैं, चिल्ड्रन को मिल जाते हैं, बट नहीं क्या मिलता पता है, उनका टाइम। जितना टाइम तुम हम लोग बोलेंगे ओके, कि जितना टाइम हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं ना एक दिन में, उतना शायद वो एक वीक में करते होंगे। एक दिन में जब हम इतना स्पेंड करते हैं उतना शायद वो एक वीक में करते होंगे, या मे बी एक मंथ में करते हो, दैट डिपेंड्स। क्यों, अरे उतने बिजी है वो लोग, टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास। दैट इज ऑल्सो बिग इश्यू इन टूडेज जनरेशन, ओके। फिर पेरेंट्स बोलेंगे अरे तुम्हारे लिए सब कुछ तो किया यार, बेस्ट स्कूल में रखा, बेस्ट ट्यूशन में रखा, इतने गैजेट्स दिए, ये किए वो किए। बोले नहीं चाहिए भाई, आप चाहिए, आपका टाइम चाहिए, ओके, आपके साथ खेलना है, आपके साथ बैठना है। बोले वो सब के लिए टाइम नहीं है लाइक दैट। फिर हमारी डिजायर वो है, ओके, तो सोच समझ के डिजायर रखनी चाहिए, ओके, नहीं तो फिर साथ में सब कुछ आएगा। मतलब भाई मुझे बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत हस्बैंड चाहिए, तो हस्बैंड अकेला नहीं आएगा, फिर सास भी आएगी, हस्बैंड की बहन भी आएगी, हस्बैंड का भाई भी आएगा, साथ सब सारे रिलेशन आएंगे। फिर हम बोलेंगे कि नहीं यार सिर्फ हस्बैंड चाहिए, वो नहीं होगा। बोलेंगे सिर्फ वाइफ चाहिए, वो नहीं होगा, फिर सुंदर मामा भी आएगा साथ में, ओके। सो इट्स लाइक दैट। और फिर नहीं चाहिए तो फिर डोंट गो इन रॉन्ग डायरेक्शन, डिजायर ही मत रखो फिर, ओके, ये चैप्टर ही उसके ऊपर है। रॉन्ग डिजायर तुम रखे रहोगे तो फिर लाइफ खत्म हो जाएगी, और पेन में लाइफ खत्म। तो देखते हैं, रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, अरे यार बहुत ज्यादा प्रिंट तो बहुत कम हो गई है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, मीम लिखा है, दैट इज मैडम, ओके, तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे मैडम लॉइजल। व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, तो भाई क्यों ये ऑलवेज क्या रहती है, अनहैप्पी रहती है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, और उसके जो हस्बैंड है वो कैसे पर्सन है, तो ये हम पढ़ेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा। So she was one of those pretty young ladies. तो भाई ये pretty थी, मतलब सुंदर दिखने वाली थी, और young भी हो गई थी, adult हो गई है। Born as if through an error of destiny. तो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद ये error of destiny है, मतलब नहीं बोलते कि यार भगवान से कोई चूक हो गई है यार, मतलब कभी कभी ऐसे बात, अरे यार इतनी अच्छी लड़की ऐसे घर में कैसे आ गई, like that. मतलब सपोज कोई
गांव में बहुत ही ज्यादा हीरोइन टाइप देखने वाली, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, ऐसा बोलेंगे हम, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की, कोई मतलब जहाँ पे पुअर फैमिली है वहां आ गई। अब शायद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इतनी ब्यूटीफुल है तो उसको संभालना पड़ेगा। तुम्हारे बाल अच्छे हैं तो फिर उसके केयर, उसका शैम्पू, उसका ऑयल, ये वो, हेयर कट रेगुलर, ये वो, कितना खर्चा पड़ेगा। सब चीज में खर्चा तो है ही। तुम्हें बाइक पसंद है तो बाइक का मेंटेनेंस आएगा, वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हें हेयर पसंद है तो हेयर का मेंटेनेंस आएगा। तुम्हें अपनी स्किन पसंद है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो कितना मेंटेन करना पड़ता है, कितना भाई ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, केक नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, ये वो। सो डिपेंडिंग के तुम जो भी डिजायर रखोगे उसकी वैल्यू तुम्हें पे करनी है। ओके, जो भी डिजायर रखी उसकी वैल्यू, ये वर्ल्ड में याद रख लेना, आज का स्टेटस भी मैंने रखा था, इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, यू हैव टू पे। और अगर तुमने पे किया है तो फिर उसके बाद चिंता मत करो कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, लाइक दैट। बट कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, देयर इज ऑलवेज। और जैसे मैंने वो एक पोस्ट पहले भी रखा था, व्हेन यू फाइंड समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रोडक्ट इज यू, तुम ही प्रोडक्ट हो। ओके, मतलब वो तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या तुम्हें ही इनडायरेक्टली खरीदने की ट्राई कर रहे हैं, खरीदने की इन द सेंस कि तुम अगर उनके कांटेक्ट में रहे तो उनको बेनिफिट रहने वाला है, तभी कोई कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया था, ओके, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मतलब नॉट इवन बर्थ, बर्थ भी नहीं मिलता हमें। सो फिर हम लॉजिकली जो है सर, हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारी अपब्रिंगिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है ना, पेरेंट्स करते हैं, कॉस्ट मतलब वो रुपए नहीं लेते हैं, बट उसे हम फ्री नहीं बोलेंगे। ओके, एक उनका ड्यूटी है वो फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद वो ड्यूटी का रीपेमेंट भी होता है कि फिर तुम्हें चाइल्ड की ड्यूटी भी निभानी है। ओके, वो चाइल्ड की ड्यूटी भी तुम अच्छे से निभाओगे सो तब बैलेंस हो गया। ओके, कि भाई पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी निभाई, जैसी तुम्हें अपब्रिंगिंग करनी थी, पैसे, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ दिया, अब उनके टॉवर्ड्स में तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तुम पूरी करो, सो दैट इज बैलेंस, गुड लाइफ, अच्छे से स्मूथली हैप्पी हैप्पी जाएगी, लाइक दैट। कहीं पर इनपुट तो है लेकिन फिर जब वापस देने का टाइम आया तब तुम बोलोगे यार ये नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो, तब जाके प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम तुरंत नहीं होगी, वो बाद में होगी। ओके, मे बी फ्यूचर। चलो हाँ, सो एरर ऑफ डेस्टिनी से हो गई ऐसा लग रहा है, क्यों इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो भाई बहुत ज्यादा प्रीटी यंग लेडी थी और वो कहाँ, मतलब जहाँ पे क्लर्क, ओके, मतलब क्लर्क है उनके वहां पे, उनका उनके पेरेंट्स मतलब उनके फादर जो है वो क्लर्क है। ओके, क्लर्क तुम बोल सकते हो कि थोड़े लो डेजिग्नेशन होता है, जैसे हम प्यून नहीं बोलते, कोई ऑफिस में प्यून नहीं बोलते वैसे। ओके, तो वहां पे उनका जन्म हुआ है, ये लड़की का, मिसिस लॉइजल का। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड एंड, अरे यार बहुत लंबा सेंटेंस है, रुको इसको यहीं पे। ओके, तो बोल रहे हैं शी हैज नो डाउरी, डाउरी मतलब दहेज, मतलब आगे जाके जब मैरिज करना पड़े तो दहेज दे सके, वैसा कोई पैसा वैसा उसके पास है, पैसा मतलब घर की कंडीशन ही ऐसा नहीं है कि कुछ दहेज वहेज दे सके। देन नो होप्स, कोई होप्स भी नहीं है कि भाई बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए। ओके, देखो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी डिजायर है, नेम, फेम, मनी, ये लोग इसके पीछे भागते रहते हैं, और ये ऐसा हाईवे है कि कहीं एंड ही नहीं होता। ओके, क्योंकि जितने फेमस तुम हो गए तुम्हें लगेगा और ज्यादा फेमस हो, तुम स्कूल में फेमस हो गए तो तुम सोचोगे डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो जाते हैं, तुम डिस्ट्रिक्ट में हो गए तो तुम्हें लगेगा स्टेट में, स्टेट में हो गए तो नेशनल, नेशनल हो गए तो इंटरनेशनल, लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया फेम, नेम भी उसमें ही आ गया। वो मनी, मनी देखो भाई कहाँ, अदानी अंबानी उनकी सात पुश्ते, 7 जनरेशन खा सके आराम से बैठ के, जो खाना हो वो, जो विश करे वो, उतने पैसे है उनके पास, दैट इज गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट विथ दैट मेंटल पीस ऑल्सो शुड बी देयर। फिर जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होगा,
वो नहीं होना चाहिए। तुम पेरेंट्स उनको टाइम भी दो, ओके, और फिर दे रहे हो तो फिर वेल्दी होना कोई बुरी बात नहीं है, गुड। तुम्हारे पीछे के कर्माज ऐसे है कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा वेल्थ है तो कोई बात नहीं भाई, अच्छी का अच्छा है, उसको अच्छी तरह से उसका यूज करो, सब कुछ दो, बट सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि जैसे हम वेल्थ के पीछे इतने भाग गए कि हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे इतने भाग गए कि भाई दूसरी वेल्थ की वेल्थ ही भूल गए। अब जिसको तुम ऐसा मतलब रिवर्स केस, बहुत ज्यादा तुम फैमिली मैन हो लेकिन फिर इसके जैसा होगा, अभी ये इस मैडम लोइजल का यही है, अरे यार घर नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना पीना ये वो, रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। ओके, तो हमेशा रोती रहेगी तो फिर होगा क्या, समझ में आया? ओके, सो कोई मुझे प्यार करेगा, नोन एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, मतलब कोई अलग टाइप का या बहुत ज्यादा पैसे वाला उसे हस्बैंड मिलेगा, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पेटी मतलब ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसका इंपॉर्टेंस कम है। ओके, पेटी PETY, पेटी मतलब ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, तो भाई जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसे एक क्लर्क के घर में पैदा हुई और उसका हस्बैंड भी क्या है, क्लर्क ही है। कहाँ क्लर्क है, एक मार्क में पूछा जाता है, तो कहाँ क्लर्क है वो, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। ओके, ऐसा याद रख लो, GACB के ऑफिस में, CBSE के ऑफिस में, वैसे तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में वो क्लर्क है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो सिंपल थी लेकिन वो क्या थी, अनहैप्पी थी। ओके, हमेशा दुखी रहती थी। शी सफर्ड इनसेंसेंटली, ओके, मतलब कि इनसेंसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, मतलब कंटिन्यूअसली वो सफर करती जा रही है। अब ये कौन सा पेन होगा, मेंटल पेन। ओके, ये मेंटल पेन है भाई, तुम गरीब हो तो हो, बार बार क्यों सोच रहे हो कि तुम गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है तो ठीक है, जो है वो खा लो। अब तुम सोच खाना नहीं, पिज्जा नहीं है, पिज्जा नहीं है, अबे रोटी है वो खाओ और बात खत्म करो, क्या सोचते रहते हो लाइक दैट। ओके, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, हम जो पढ़ते हैं, हम पूरा स्कूलिंग और फिर कॉलेज और फिर तुमने पोस्ट डॉक की PhD भी कर ली, पोस्ट डॉक भी कर लिया, इससे होता क्या पता है, पढ़ाई से हमारा ब्रेन डेवलप होता है। मेन एम क्या है, हमारे ब्रेन को डेवलप करना। फिर एक्सपेक्ट क्या होता है हमसे, कि हम अर्न करें, पैसे अर्न करें। एजुकेशन का रिलेशन है अर्निंग से, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि भाई तुमने बहुत ज्यादा अर्न कर ली, बहुत ज्यादा तुम टॉप स्टूडेंट हो तो तुम टॉप मनी अर्न करोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि भूल गया अभी याद आएगा तब बता दूंगा। ओके, चलो, सो शी सफर्ड इनसेंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, तो वो सारी डेलिकेसीज एंड डेलिकेसीज मतलब एलिगेंस। ओके, बहुत ज्यादा एलिगेंट, कोई भी टाइप का एलिगेंट, मतलब एलिगेंट फोन, मतलब अलग से एक स्पेशल लुक वाला है, तो एलिगेंस बोलते हैं उसे। ओके, कंटिन्यूअसली इनसेंसेंटली मतलब कंटिन्यूअसली। ओके, कि वो कंटिन्यूअसली सोच ही रही है, हाँ याद आ गया, सोचने से याद आ गया। ओके, वो कंटिन्यूअसली सोचती ही रहती है कि वो पुअर है और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो ऐसा है, उसका मोटो क्या है, हमारा ब्रेन डेवलप हो। लेकिन याद रखना, जितना ब्रेन ज्यादा डेवलप होगा, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, उसके भी मेथड्स है, जितना ब्रेन ज्यादा डेवलप होगा उतना ब्रेन की सोचने की पावर बढ़ जाएगी, मोर थॉट्स विल कम। ओके, और ज्यादा बहुत ज्यादा थॉट्स आती रहेगी तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अगर नेगेटिव थॉट्स है तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो ओवर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस ज्यादा है। फिर हमें करना क्या है, हमें ऐसा करना है कि एक्शन पे ध्यान दो ना कि थॉट्स पर। एक्शन पे ध्यान दो, भाई मुझे करना क्या है, ये करना है, करो करो,
कभी आंख बंद करके सोचते हैं चलो, वो एक पढ़ो ही मत इसमें, क्योंकि ब्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना फास्ट चलेगा, उसको तुम एक सेकंड भी छोड़ो ना कुछ पकड़ लेगा, पास्ट पकड़ लेगा, प्रेजेंट पकड़ लेगा, फ्यूचर पकड़ लेगा, और फिर टेंशन या फिर पीछे का सौरव, अनहैप्पीनेस, और किसी की जैसे डेथ हुई हो, कुछ भी मतलब ए टू जेड कुछ भी पकड़ लेगा, कुछ खाना पकड़ लिया, कुछ शॉपिंग का पकड़ लिया, फ्यूचर का सोच के कुछ थॉट्स आने लगे, पास्ट का फेलियर सक्सेस सोच के कुछ थॉट्स आने लगे, ये थॉट से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर करे तो करे क्या, खुद को और ब्रेन को जो एक्टिविटी कर रहे हो पूरा का पूरा अंदर ला, 100% थॉट के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वापस ऐसा होता है कि यार थॉट नहीं चाहिए, फिर आती है तो हमने काम ही ऐसे किए तो आएगी ही, ओके। क्योंकि थॉट कब आएगी, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा थॉट्स आएगी। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि थिंक ऑफ बेंगलोर, ओके, तुम बेंगलोर गए ही नहीं तो ज्यादा थॉट्स नहीं आएगी, लेकिन तुम में से कोई बेंगलोर गया है उसको तो बहुत ज्यादा थॉट्स आ जाएगी, ओके, हाँ हाँ सर वहाँ वो है, वहाँ ये है, उसका एयरपोर्ट ऐसा है, उसका रेलवे स्टेशन ऐसा है, बहुत कुछ। या फिर तुम गए नहीं हो लेकिन तुमने न्यूज में पढ़ा है, न्यूज में देखा है, टीवी चैनल पे देखा है, कुछ भी कहीं से रिलेटिव से सुना है, ओके। सो ये सब कुछ अगर हो तो थॉट्स आने लगेगी। अब मैं बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, चलो मैं एक वर्ड दूंगा, अब तुम्हें उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचना है, ओके। अरे तुरंत ही सोच आएगी, मैं बोलूँ कि भाई चलो डोंट थिंक ऑफ योर स्कूल, ओके, और फिर ऐसे ही ब्लैंक रहो और आंखें बंद करके कितनी देर तक रह सकते हो, जस्ट डू, ओके। तो इट्स लाइक अ चैलेंज, ब्रेन को तुम ना बोलोगे ना वो बहुत पावरफुल है, वही करेगा वही करेगा, जो ना बोलोगे वही करेगा, ओके, okay? नहीं वो मान लेगा, क्यों, मजा आती है ना उसको, मजा आती है उसे, कंफर्टेबल सिचुएशंस चाहिए, पेन चाहिए ही नहीं उसको, ओके, कंफर्टेबल सिचुएशन चाहिए। 3 घंटे बैठो और मूवी देखो, हाँ चलेगा, 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लो, मैथ्स कर लो, अरे थोड़ा 1 घंटे से तो पढ़ ही रहे हैं ना, थोड़ा वॉशरूम जाके आते हैं, अरे नहीं जाना है वॉशरूम, नहीं जाके आते हैं, ओके, लाइक दैट। वो ब्रेन को, इसीलिए तो ब्रेन मतलब जो हम मन बोलते हैं वो, ओके, सो इसीलिए जो मन बोले वो कर दिया ऐसा कभी मत होने देना, ओके, क्योंकि अभी वो तुम्हें बोलेगा सूरत जाना है, दूसरी सेकंड प्लान चेंज कर देगा, बोले नहीं अहमदाबाद जाएंगे, तीसरी सेकंड में बोलेंगे नहीं नहीं ना हम ये एमपी साइड जाएंगे, मतलब जितना टाइम होगा उतने टाइम वो सब अलग 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 थॉट दे सकता है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, मतलब कितने भी ऊपर हम चढ़ गए हो वो हमें पछाड़ सकता है, हमें हरा सकता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मानना ही नहीं है, नहीं, हमारे पास हार्ट भी है, बुद्धि भी है, तो सोचो कि सही में वो जो मन हो रहा है वो सही है या नहीं है। मन तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, रॉन्ग वे में भी हो सकता है, वो तो जैसा हमारा इनपुट, जैसी इंफॉर्मेशन, जैसा एनवायरनमेंट वैसा मन होगा, जैसा एनवायरनमेंट वैसा मन होगा, और जैसे हमारे इनपुट, मैं तुम्हें कोई रॉन्ग चीज बता दूं कि ये अच्छा है अच्छा 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 है, और तुम्हारी सिचुएशन भी सब ऐसी ही मिली, और तुम्हारे आसपास के सारे स्टूडेंट्स भी वैसा ही कर रहे हैं, तुम्हारे नेबर्स भी वैसा ही कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा हाँ ये अच्छा है। लॉजिकली सोचना पड़ेगा, हमें स्टैंड आउट रहना है, भले ही हम अकेले हो तो भी जो हमें सही लगता है वही करना है। हाँ, सो इनसेंसेंटली का मतलब तो मैंने बताया, कंटिन्यूअसली डेलिकेसी एंड लग्जरी, तो कंटिन्यूअसली वो ये डेलिकेसी और लग्जरी के बारे में सोचती रहती है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, किससे सफर्ड हो रही है, देखो उसके पास है सब कुछ, लेकिन तुम जब भी ऐसे तुम्हारे पास नहीं है वो फीलिंग में चले गए ना, गए काम से गए, मतलब तुम तो नहीं जाओगे बट जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स, ओके, क्यों, अभी तुम अभी तो बाकी है लाइफ जीना, बट एक एज के बाद ऐसा होता है सब। सो पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, ए क्या वॉल है यार, देखो ब्रिक्स ब्रिक्स दिख लग गए, पूरा प्लास्टर निकल गया, सीमेंट निकल गई, ए क्या घर है यार, ऐसे लाइक दैट, तो उसका घर भी उसे नहीं पसंद। Then the shabby walls, मतलब वही shabby walls, okay, बहुत ही ज्यादा shabby हो गई है, wall shabby मतलब poor condition की walls हो गई, मतलब वही plaster निकल गया है, color निकल गया है,
इतनी खराब हो गई कि वहां से ईंटें दिख रही है, ब्रिक दिख रही है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लाइक दैट. ओके, यहां मत देखो, एग्जांपल दे रहा हूँ. ओके, एंड वॉन चेयर्स. ओके, तो चेयर्स भी बहुत ज्यादा क्या हो गई, वॉन आउट हो गई है, मतलब घिस गई है, पुरानी हो गई है, ऐसी हो तो जंग लग गया है, ऐसा बोल सकते हैं, मेटल हो तो. ओके, लाइक दैट. सो ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. तो ये सब चीजों से उसको टॉर्चर फील होता है और उसको गुस्सा आता है. अब ये बात है भाई, ये मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात है. ओके, खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारना एक फ्रेज है. ओके, तो यह दूसरा है ना, आ बैल मुझे मार, वैसा. ओके भाई, तुम्हें कोई दुख नहीं है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, आराम से रहो. तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहे कि अपग्रेडेशन मत करो. अरे करो, लेकिन तुम रोते रहते हो मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, तो मिल थोड़ी जाएगा, रोने से थोड़ी कुछ मिल जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा. तो हम सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है. वही कीसा गौतमी वाला ही केस है. जस्ट मूव ऑन. ओके, मूव ऑन, एक्शन पे काम. अभी तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई तो पढ़ो, घूमना है घूमो, डांस करना है बारात में हो तब मत सोचो कि ये टेस्ट देना है वो टेस्ट देना है, अभी नाचो भाई तुम. ओके, नहीं तो एंजॉय कब किए फिर, बारात में पढ़ाई का सोच रहे हो और पढ़ाई में सोच रहे हो कि अरे वो लोग शादी में गए, क्या दोनों जगह पे लॉस हो गया, ना एंजॉय किया और ना पढ़ाई की. ओके, जो है वहीं पे ध्यान दो. और ऐसा नहीं है थॉट नहीं आएगा, थॉट तो आएगा, बट थॉट पे भी ध्यान ना दो. आने तो जाने तो फर्क ही नहीं पड़ता, यहां से कोई आए जाए, हाँ ठीक है आया गया होगा, लाइक दैट. थॉट को देखो जस्ट लाइक फ्लो ऑफ विंड्स, जैसे एयर आती है और चली जाती है. तुम नोटिस करते हो क्या, ये फैन की एयर कब से तुम्हारे पास आ रही है, नोटिस की किसी ने, नहीं. अटेंशन ही मत करो, कब से सांस ले रहे हैं हम, फोकस किया हमारी ब्रीथ पे, हाँ ये ब्रीद इन किया ब्रीद आउट किया, कभी फोकस किया अभी हमने, नहीं. तो वो आ रही है जा रही है, थॉट्स भी है, आएगी जाएगी, हाँ भाई तू मुझे अपना काम करने दे, लाइक दैट. ये सारी बहुत डीप ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला तो हो गया, प्रैक्टिस करनी पड़ी. मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मुझे भी कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ओके, तो थॉट्स तो आएंगे, इंपॉर्टेंस ही मत दो. ओके, वो नहीं होता, हाथी जंगल में चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, ध्यान नहीं देना है. ओके, हम हाथी है, वो भौंक ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, आएंगे तो मार खाएंगे, कर नहीं सकते, वो तो आएंगे सिर्फ. ओके, और भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है, कुत्ता हाथी को मार नहीं सकता, लाइक दैट. ओके, हाँ, सो व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टर्रीन, टर्रीन मतलब कवर डिश, मतलब डिश के ऊपर जो कवर रखा हुआ होता है ना उसको टर्रीन बोलते हैं. ओके, सो कवर डिश तो मतलब टर्रीन, तो उसने टर्रीन हटाया विथ डिलाइटेड एयर सेइंग ओ द गुड पॉट पाई. पॉट पाई का मीनिंग होता है डिश, डिश डिश मतलब वो डिश नहीं जिसमें खाना रखा है, खाना जो है उसको ही डिश बोलते हैं, व्हाट अ डिश, ऐसे. ओके, वेरी नाइस टेस्टफुल डिश, वैसे तो उसको बोलते हैं पॉट पाई. कौन बोल रहा है ये सब, उसका हस्बैंड, उसने खाना परोसा और देख के वाह, ओके क्या डिश है, क्या खाना है यार, मजा आ जाएगी, लाइक दैट. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, तो मतलब बोल रहा है इससे अच्छा तो मुझे पता ही नहीं है, लाइक दैट. कौन बोल रहा है, हस्बैंड बोल रहा है, यार इससे अच्छा तो मैंने कभी देखा ही नहीं खाना, खाएगा तो बोलेगा इससे अच्छा तो मैंने खाया ही नहीं. अब अच्छा हो ना हो तुम बोलो, खाना तो यही है, अब तुम रोते रोते खाओ या हंसते हंसते खाओ, मजा लेके खाओ, करना तो है ही. तो जब कोई चीज कंपलसरी है, करनी ही है, तो फिर क्यों उसमें हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं. ओके, रेजिस्टेंस से एफिशिएंसी कम हो जाती है. सपोज पढ़ाई करनी ही है, टेंथ की एग्जाम देनी ही है, तो फिर पढ़ाई करते हैं, क्यों सोचते रहेंगे क्या होगा, ये है वो है, छोड़ो यार, पढ़ाई करो, वही हाथ में है, पढ़ाई करो, दैट्स इट. ओके, करनी तो है ही, रोते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई हमें बस फ्री कर देगा, अरे तू मत दे चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं. ट्यूशन का टेस्ट, स्कूल की एग्जाम तो है नहीं कि कोई माफ कर देगा, अच्छा ठीक है बाद में देना, नॉट लाइक दैट. स्किप किया तो गए नेक्स्ट ईयर, लाइक दैट. सो वैसे है, अंडरस्टूड. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. अब देखो, जो खाना देख के वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं था,
वही टाइम पे वो क्या सोच रही है, एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, ओके, मतलब के बहुत ही अच्छे पकवान बने हो और प्लेट्स भी एकदम शाइनिंग सिल्वर टाइप की प्लेट्स हो, चमकते बर्तन हो, वैसे जैसे होटल में होता है पर्टिकुलर सजा सजा कर देते हैं, ओके। शी थॉट ऑफ एन एक्सक्विजिट फूड, एक्सक्विजिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल खाने के नजरिए से, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट, वैसी फूड की वो एक्सपेक्ट कर रही है। एंड इन मार्वेलियस दोज थिंग्स, नहीं वही है, एंड इन मार्वेलियस डिशेस, मार्वेलियस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मार्वेल नहीं बोलते, मार्वेल की मूवीज, ओके, सुपर हीरो मूवीज, तो मार्वेलियस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, उसके पास ना फ्रॉक थे ना ज्वेलरी थी, फ्रॉक इन द सेंस कपड़े, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और ना ही कोई ज्वेलरी वेलरी थी। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको वही चीज से प्यार था जो उसके पास नहीं है, उसको वही चीज से प्यार था जो उसके पास, यही भी यहीं पर भी एक ह्यूमन नेचर है, क्या हमें वही चीज से प्यार, ह्यूमन को, हमें इन द सेंस ह्यूमन को उसी चीज से अट्रैक्शन होता है, उसी चीज से प्यार होता है जो उसके पास नहीं है, और अगर जो चीज नहीं है वो मिल जाए तब तक उसे कोई और चीज से प्यार हो जाता है, और से नेक्स्ट से प्यार हो जाता है, मतलब कि सपोज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कोई सोचे कि भाई मुझे करो अदानी अंबर, क्यों कोई भी हो, कोई बिजनेसमैन है कोई भी लेवल का, मुझे ईयर में 10 लाख रुपीज अर्न करने हैं, ये उसका गोल है, उसका प्यार है, वो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है और अब वो उसने अपने प्यार को पा लिया, मतलब 10 लाख अर्न कर लिए, लेकिन अब वो सेटिस्फाई नहीं है, 10 लाख अर्न कर लिए तो अब देखो उसको तो मतलब नाचना चाहिए खुशी में, ओके यार जो मैं जिससे प्यार करता था मिल गया, बट अब बोल रहा है अरे यार 10 ही है यार, शायद 20 हो जाता तो कितनी मजे आती, ओ भाई तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो तुम मांग रहे थे, जिसको प्यार कर रहे थे वो मिल गया तुम्हें, नाउ एंजॉय इट, एंजॉय इट मतलब लाइफ टाइम एंजॉय नहीं करना है, फिर बाद में जो वापस टास्क होगा वो भी करना है, बट वो मोमेंट को तो एंजॉय करो, ओके, वो मोमेंट को एंजॉय ना करके हम वापस बोल रहे हैं कि यार ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता, लाइक दैट, ओके। दैट मीन जिसके लिए तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो वो चीज तुम्हें मिल गई, वो मोमेंट के लिए भी तुम हैप्पी नहीं हो, तो फिर क्या मतलब ये सारी मेहनत का, इतने लॉन्ग टर्म तुमने मेहनत की वो खुशी के लिए, और वो खुशी जब मिली तब बोल रहे हो नहीं मुझे ये खुशी नहीं और बड़ी खुशी चाहिए, ये क्या बात हुई यार, वो ये ह्यूमन नेचर की बात चल रही है, तो इसका काउंटर क्या, करना क्या है, हमारा एफर्ट कहाँ है, हमारा एफर्ट वहां है, लव व्हाट यू हैव, जो है उससे प्यार करो, दैट डज नॉट मीन कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का ना सोचे, सोचो भाई और उसके लिए काम करो, बट जो है उसको भी प्यार करो, मतलब मेरे पास सपोज वैगनार हो तो मैं ऐसा नहीं अरे यार ऑडी नहीं है ऑडी नहीं है ऑडी नहीं है, और मैं वैगनार घुमाऊं तो रोता रोता ही घुमाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट कर दूंगा, तो भाई मैं कभी लाइफ में ऑडी लूंगा, वैसे तुम गोल रखो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मजे से वैगनार चलाओ, समझ में आया, ओके, कोई भी चीज हो, ये एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द थिंग्स इन द लाइफ, ओके, तो कॉन्सेंट्रेट, लव केयर अटेंशन कहां देना है, व्हाट यू हैव, ओके, वहां नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है एनवायरमेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कि वही चीज पसंद आती है जो नहीं है, जो नहीं है हमारे पास वही चीज पसंद आती है, मतलब जिसके पास ऑडी होगी ना उसको ऐसा लगेगा यार मेरे पास पोर्श नहीं है फरारी नहीं है, वे भाई तेरे पास ऑडी है, नहीं यार फरारी नहीं है ना, लेकिन ये क्या बात हुई यार, जो है उसको प्यार करो, वैसे तो यहीं पे वो भी वही बोल रहे हैं कि शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, मतलब जो नहीं है उसी को वो प्रेम करती थी प्यार करती थी, लाइक दैट, बंद हो गया, अच्छा 42 इतना रखें या फिर 11th का वेट करें, अच्छा ठीक है चलो इतना पैरा कंप्लीट हो तो करते हैं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, भाई उसकी एक अमीर फ्रेंड थी, रिच थी, स्कूल में टेडी कॉन्वेंट,
उसकी स्कूलमेट थी, कॉन्वेंट भी, कॉन्वेंट मतलब नहीं नहीं हाँ बट वो उसका मीनिंग नहीं है. हाँ रिलेटेड पार्शियली करेक्ट आंसर, क्रिश्चियन स्कूल. क्रिश्चियन कॉलेज नहीं मतलब कॉन्वेंट का मतलब जहां पर जैसे ये हमने शायद पहले डिस्कस किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चर्च ऑर्गेनाइज कर, चर्च मैनेज करता है, मतलब पूरी स्कूल के ट्रस्टीज और पूरी कॉलेज के ट्रस्टी जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जो लाए, जितना भी खर्चा होता है वो सब मैनेज कौन करता है? चर्च. उसको हम कॉन्वेंट बोलते हैं. जैसे शबरी स्कूल, शबरी स्कूल ये अपना अय्यप्पा टेम्पल है वो मैनेज करता है, तो उसको भी हमें कॉन्वेंट बोलना हो तो बोल सकते हैं. कंटेक्स्ट समझो, कंटेक्स्ट क्या है, वो पूरी स्कूल कौन मैनेज करता है? एक रिलीजियस कम्युनिटी. ओके, तो कॉन्वेंट वर्ड पर्टिकुलरली उसके लिए है. किसके लिए? क्रिश्चियन रिलीजन के लिए है. ओके, जैसे यहां पे तुमने शबरी का नाम देखा होगा, क्या था? शबरी विद्यापीडम ऐसा कुछ नाम है, आगे लिखा है. ओके, सो दैट पीडम वो उसको डिनोट करता है, डिस्क्राइब्स करता है. जैसे इस्लाम में भी मदरसा होता है. ओके, मदरसा होता है ना, तो वहां पढ़ाया जाता है ना, टीचिंग करवाई जाती है ना, सो मदरसा. ओके, तो मदरसा क्या है? स्कूल है. स्कूल अलग क्यों है? क्योंकि वहां का मैनेज सिस्टम इज नॉट ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट और से प्राइवेट सेक्टर, बट बाय द रिलीजियन कम्युनिटी. ओके, जैसे कि आश्रम होता है हिंदुइज्म में, आश्रम में लोग गुरुकुल नहीं पढ़ते हम, कि ये लोग गुरुकुल में पढ़ने गए. ये बरोड़ा रोड पे एक दो गुरुकुल भी, ये श्रवण स्कूल के सामने भी एक गुरुकुल है. ओके, श्रवण चौकड़ी के पास भी एक गुरुकुल है. ओके, तो वही वो भी स्कूल है, वहां पर भी स्कूल है, सामने ही है. आई थिंक स्कूल का नाम नहीं पता, श्रवण स्कूल के सामने ही स्कूल बना है. ओके, सो दैट मीन्स कि रिलीजियस कम्युनिटी उसको मैनेज कर रही है. तो सपोज क्रिश्चियन रिलीजन की कम्युनिटी उसको मैनेज करे, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट. जैसे हमारे भी है कॉन्वेंट सेंट जेवियर्स, तुम मोहम्मदपुरा रोड पे जाओ तो वहां पे स्कूल्स है. ओके, हमारे भरूच में भी है, सेंट जेवियर्स है, कॉन्वेंट है. सो दैट इज मैनेज बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी. ओके, हाँ, तो मैं वो पढ़ रहा था कॉन्वेंट. रिच फ्रेंड स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. मतलब ये ऐसी फ्रेंड थी जिससे मिलना उसे बहुत ज्यादा, मिलना या उससे मिलने जाना उसे पसंद नहीं था. ओके, आ गया. हाँ, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड. तो जब उससे मिलके वापस आती थी ना, तो वो बहुत ज्यादा सफर करती थी. क्यों? वो रिच थी इसलिए. She wept for whole days from despair and disappointment. तो wept मतलब रोना होता है, but actual यहाँ रोती नहीं थी, but वही चीज क्या? Thought of those things जो उसके पास नहीं है. Okay, तो continuously उसके बारे में, मतलब वो उसका घर देख के आती थी, यार ये window नहीं. अभी ऐसा होता है ना, कई कई characteristics ऐसी होती है, गए ये characteristics, female characteristics ही है, तो लोगों के घर गए, अरे यार इनकी विंडो देखी. मेल में क्या होगा? वो गाड़ियां देखेंगे, अरे पता है इसके पास कौन सी कार है. ओके, पता है इसके पास कौन सी बाइक है. फीमेल, अरे उसका घर देखा, सोफा तो कैसा था, वो ट्राइपॉड कैसा था, वो विंडो के पर्दे देखे थे, कर्टेन कर्टेन बहुत अच्छे थे. सब सबका देखने का नजरिया. मेल ये सब देखेंगे. ओके, मोबाइल, मोबाइल तो कॉमन हो गया है, दोनों ही देख लेते हैं, मेल फीमेल. ओके, तो ये नजरिया होता है. और फिर जाके फिर हम बोलेंगे, अरे बच्चे होंगे तो क्या देखेंगे, खिलौने, अरे उसके पास तो रिमोट वाली गाड़ी है. ओके, लाइक दैट. तो अपने हिसाब से देखेंगे, चाइल्ड को ले जाओ तो वो देखेंगे. ओके, सब लोग अलग अलग चीजें नोटिस करेंगे, सब लोग. और फिर जाके डिजायर रखेंगे कि भाई, जैसे कि हम चाइल्ड है तो हम पापा के पास डिजायर रखेंगे, पापा वो साइकिल पुरानी हो गई है तो नहीं ले ले क्या, या फिर अब तो साइकिल तो अब तो बड़े हो गए, अब साइकिल ही घूमना है क्या, मोपेड ले ले क्या, लाइक दैट. तो ये क्यों? ये देखा इसलिए, ये देखा इसलिए. जनरली डिजायर कब पैदा होती है पता है? जब तुमने फाइव सेंसेस से उसको लिया अपने अंदर, या तो देखा या सुना या सूंघा या टेस्ट किया या टच किया,
फाइव सेंसेस, इनमें से कुछ एक भी किया ना तब ही डिजायर होगी, अदरवाइज डिजायर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और हैप्पी कौन है पता है? जिसकी डिजायर जीरो हो गई है, फुल हैप्पीनेस, परमानंद जिसे बोलते हैं, शिव जी का स्टेट, ओके, फुल हैप्पीनेस। क्यों? कोई डिजायर ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए किसी से, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए ना, नेम, फेम, मनी, तुम मेरी प्रशंसा करो तो भी ठीक, तुम मुझे भला बुरा करो तो भी ठीक, तुम्हें जो करना है करो ना, यू आर फ्री, करो तुम जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो डायलॉग है ना, मान ना अपमान, ना शत्रु ना मित्र, ना सुख ना दुख, ना जीवन ना मृत्यु, कुछ भी डिजायर ही नहीं है, नो डिजायर, दैट इज द इटर्नल हैप्पीनेस। ओके, तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि जैसे कि भाई ये देखो इसके पास इतना कुछ था, अच्छे से जी लेती, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन कंटिन्यूअसली ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो जो है उसको भी वो प्यार नहीं कर सकती। फिर से वो याद आएगी, कब आएगी? जब जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं ना कि लव व्हाट यू हैव, तो वो करो, क्यों? क्योंकि व्हाट यू हैव विल नॉट स्टे फॉरएवर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और जब वापस हमसे छीन जाता है ना, तब हम वापस, यार मिस कर दिया, प्यार नहीं किया, केयर नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, जब था तुम कहीं और भाग रहे थे। बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे छोटी छोटी बातों में सिखाया जाता है। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो सिर्फ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते तो हमारा पूरा इंग्लिश अभी कंप्लीट हो जाता। ओके, बट ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। हाँ, सो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड, इलेटेड मतलब हैप्पी, इलेटेड मतलब हैप्पी, खुश होके आया, बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलोप, तो हाथ में एक बड़ा सा एनवेलोप लेके खुश होके आया। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, ओ मैं आ गया, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, एनवेलोप था और एनवेलोप देके बोल रहा है तुम्हारे लिए इसमें कुछ है, लाइक दैट। डन, इतना रखे आज। ओके, तो बाकी का हम कल डिस्कस करें।